तो इसी बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुंह पर कपड़ा बांधकर घूमने वाले युवकों पर कार्रवाई होगी। गाड़ियों के सभी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी और आज से पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देगी। मतलब आज से ही शुरू हो जाएगी ये पूरी कार्रवाई। लूट की 3 घटना के बाद पुलिस ने ये फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, पुलिस अगर ये कवायद शुरू करती है तो क्या लग रहा है कि इससे फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको अपडेट करा दें कि मुंह पर जो कपड़ा बांध के युवक चलते हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके जो दस्तावेज हैं उसको भी पुलिस खंगालेगी, दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आज से ही ग्वालियर पुलिस जो है इस कार्रवाई को अंजाम देने लग जाएगी। आपको बता दें कि लूट की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला लिया है कि मुंह पर जो स्कार्फ या कपड़ा बांध के युवक चलते हैं उनकी जांच की जाएगी, दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, ये जो कवायद पुलिस चलाने जा रही है, क्या इससे लग रहा है कि लूट की जो वारदातें हो रही हैं वो कम होगी? देखिए, फिलहाल ये जो ऑपरेशन है, यानी कि चेहरा ढककर जो लोग निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार ग्वालियर में देखो तो 3 सिलसिलेवार तरीके से लूट की घटना है वो हुई है, हर रोज ये घटना हुई है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, पुलिस की जो चेकिंग पॉइंट है, उन पर सवाल उठ रहे थे। तो इसमें ये फैसला लिया गया है ग्वालियर पुलिस ने कि जो भी लोग चेहरा ढककर निकल रहे होंगे या उनसे पूछताछ करेगी, साथ ही हेलमेट भी जो लगाकर निकल रहे होंगे या मुंह बांधे होंगे, साफी बांधे होंगे, उन सभी लोगों की चेकिंग करेगी। इसके पीछे मकसद यही है, क्योंकि जो एक लूट को तो ट्रेस कर लिया है ग्वालियर की पुलिस ने, क्योंकि वो हल्के वाली फरियादी इसमें आरोपी निकले थे, लेकिन जो 2 लूट हुई है, एक डबरा में और एक कल हुई है फिर दोबारा से, तो इन दोनों लूटों में अभी तक इनका खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर कौन लोग हैं। तो ऐसे में पुलिस की ज्यादा सक्रियता है और वो उसने चेक पॉइंट पर ये अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, तो अलर्ट जारी कर दिया गया और आज से कवायद शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। को ग्वालियर से बता दें, अब स्कार्फ बांधने वाले युवकों पर कार्रवाई होगी, गाड़ी के सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आज से पुलिस ने इसके लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। लूट की 3 बड़ी वारदात ग्वालियर में अब तक सामने आई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है और ऐसे में अगर युवक स्कार्फ बांधेंगे तो उनके ऊपर गाज गिर सकती है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होंगे।